कुछ लोगों ने गलतियां एक्सेप्ट भी करी है कि सर कुछ लोगों ने सिली मिस्टेक्स किया है, कुछ लोगों ने कुछ और चीजें करी हैं, सर ये सारी चीजें सही करने का टाइम अब आ चुका है, सही करते रहिए धीरे धीरे, जैसे आज का चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। आप सोचो ना, मतलब एज अ टीचर मैं आपके सामने हर एक दिन जो प्रॉमिस किया है, जिस दिन पे प्रॉमिस किया गया उस दिन आपको देने के तैयार हूं। आप सोचो अपना प्रॉमिस निभाओ। आप सबने सोचा था ना, जब हमने जुलाई में स्टार्ट किया था या जब भी आपने स्टार्ट किया था, हम सबने अपने आप से प्रॉमिस किया था ना, इस साल हमने जब ड्रॉप लिया था तो हमने यही सोच के ड्रॉप लिया था कि अगली बार कोई एक्सक्यूज नहीं देंगे। इस बार एक्सक्यूज देने का टाइम क्यों दे रहे हो? सर ट्राई करो आपके रिवीजन की, आपके साथ सारे टीचर्स लगे पड़े, आप बस अपनी तरफ से एफर्ट ज्यादा लगाना शुरू करो जितना हो सकता है। देखो डिमांड तो कभी फुलफिल हो नहीं सकती। आप कोई बोलेगी सर मैं उम्मीद से करूंगा, कोई बोलेगी सर मैं यहाँ क्रैश कोर्स से करूंगा, तुझे जहां से लगता है कर ले भाई, पढ़ाने वाला मैं ही हूं, उधर पढ़ाओ चाहे इधर पढ़ाओ चाहे वहां पढ़ाओ, ऑब्वियसली केमिस्ट्री वही रहने वाली है, चाहे वो केमिकल इक्विलिब्रियम यहां पढ़ो वहां भी जाओ केमिकल इक्विलिब्रियम होगा, इधर भी केमिकल इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन सर मेरे से कोई पूछे ना तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको महान बनाएंगे। मेरे पास ऐसा नहीं है कि आप देखोगे क्या ही हम लोग अपने पास अलग क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है उतना आदमी परफेक्ट बनता जाता है। मुझे आज भी मैं सबको बोलता रहता हूं, आप कोई भी एक्स वाई जेड किसी भी इंस्टीट्यूट का आप उसका कोई मॉड्यूल करो चाहे ना करो, उसका पेपर जरूर करो, क्योंकि यार जो पेपर्स बनते हैं ना वो पेपर एज अ टेस्ट आप देखा करो यार, मुझे ना अपने आपको टेस्ट करना है कैसे हो रहा है कितना हो रहा है, जो भी आपको लगता है पेपर अटेंड करो, बहुत हाई फाई नहीं, आप एडवांस पेपर मत करो, एक हां जेई मेंस की आपको ज्यादा दूर नहीं जाना, एनटीए का जेई मेंस अटेंड करो, जेई मेंस का क्वेश्चन मतलब नीट का ही लेवल है, थोड़ा बहुत ऊपर नहीं, लेकिन कोशिश तो करो, आप कोशिश करोगे तभी तो अपने आप को देख पाओगे ना, तभी तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ पाएगा, हाँ यार मैं ये चीजें कर सकता हूँ, मैं इस तरह चीजें कर पाऊंगा। सर कोशिश ये करो कि जिंदगी में सिलेक्शन जितना जल्दी सिक्योर कर पाओ। अब दो तीन टाइप के लोग बन चुके हैं हमारी लाइफ में, कुछ लोग अपना सिलेक्शन सिक्योर कर चुके हैं, कुछ लोग रिजल्ट रैंक के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ लोग अभी भी हाथ पैर मार रहे हैं ताकि सिलेक्शन सिक्योर कर पाए, और कुछ लोग भैया उनसे भी नीचे वो अभी तक अपने आप को डिसाइड नहीं कर पा रहे, हर एक बार एक्सक्यूज देते जा रहे हैं, एक्सक्यूज देते जा रहे हैं कि अरे यार मैं इससे कर लूंगा रिवीजन, उससे कर लूंगा रिवीजन, नहीं हो पाएगा सर। इसलिए बोलते हैं खुद की रिवीजन फास्ट होती है। तो मेरे से बोलोगे इस बैच में मैं डेढ़ घंटे में रिवीजन करा सकता हूं, मैं माइंड मैप में डेढ़ घंटे में करा चुका हूँ, लेकिन सर अगर उम्मीद में जाता है कोई और बैच वहाँ पूरा दिन चलता है, क्योंकि वहाँ पे अदर कोचिंग्स के लिए अदर लोगों के लिए भी है वो बैच। इसलिए बोलो अगर आप इस बैच को फॉलो कर रहे हैं चुपचाप इसको फॉलो करते रहो, अगर आपको लगता है क्वेश्चंस करने ऑब्वियस एक लिमिट की बात, आपके लिए क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे रिपीटेशन हो जाएंगे, और ये अच्छी बात है जब आपको क्वेश्चन रिपीटेशन दिखने लगे ना तो उसका टाइम रिड्यूस पे वर्क करो। अगर आपको क्वेश्चन रिपीटेड है, मान लो ये क्वेश्चन जो आपको आज यहाँ दिख रहा है कल कहीं और दिखेगा, कल कहीं और दिखेगा, तो आपको ना उसका टाइम रिड्यूस करना है, बिकॉज जो मतलब जो रैंकर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, उनके लिए क्वेश्चन सारे मतलब 180 या 200 में से सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट 5-10 को छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में देखे हुए होते हैं। तो अपने को क्या करना है, इतने क्वेश्चन कर लो कि आपको जब एग्जाम हॉल में क्वेश्चन मिले ना रियल क्वेश्चन मिले तो वहाँ पे लगे यार ये तो मैंने देखा हुआ, ये तो मैंने किया हुआ, इसमें ना ये ट्रैप है, इसमें ये ट्रैप है, ये सब चीज़ें आपको पता चल जाए।